गुड इवनिंग, वी आर अगेन स्टार्टिंग द क्लास. हम लोग शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री से. हम एक एग्जाम एक समझने की कोशिश करते हैं जो कम्बस्चन होता है, जो जलना होता है, फ्लेम होती है, वह किस तरह से काम आती, किस तरह से उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है. आप कोई एक मोमबत्ती लीजिए, यू टेक कैंडल, और उस कैंडल को आप जलाइए. आपने जलती हुई कैंडल देखी होगी, और जो कैंडल जलती है वह कैंडल प्रकाश तो देती है, लेकिन जो एक मोमबत्ती है, द कैंडल जो जलती है, उसकी जो लौ है, जो उसकी फ्लेम बनती है, जो कैंडल की फ्लेम ऊपर बनती है, उस अगर फ्लेम को आप देखिए, जो ये कैंडल की फ्लेम बनी, जो ये कैंडल की फ्लेम बनी, ये कैंडल की जो फ्लेम है वह कहाँ कहाँ किस किस तरह से अपनी कहाँ कहाँ से किस तरफ गर्मी देती है. माने आप कैंडल की फ्लेम को टच करें तो वह कैंडल की फ्लेम कहाँ पर कितनी गर्मी देती है. तो जो एक केमिकल प्रोसेस है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो बर्निंग होता है वह बर्निंग का केमिकल प्रोसेस क्या है, उससे क्या होता है. तो जो फ्लेम है, कम्बस्चन है, बर्निंग है, यह कॉन्सेप्ट किस तरह से हम दिन देखते हैं. जैसे हमने एक पिछले ही अपने लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नीशियम है वह जब बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, और इस प्रोसेस में हीट मिलता है, लाइट मिलता है. तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट. तो जो ऐसे ही अगर हम चारकोल को देखें, और जो चारकोल हवा में जलता है, बर्न होता है, तो हम देखते हैं कोल मिलता है और जलने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती, हीट होता, लाइट होता है. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जहाँ पर कुछ चीज़ें जलती हैं तो जलने के बाद क्या होता है, तो एक जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद हमको हीट देता है, इसको हम बोलते हैं कम्बस्चन. तो व्हाट इज कम्बस्चन, ए केमिकल प्रोसेस. व्हाट इज कम्बस्चन, कम्बस्चन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, कोई जो सब्सटेंस होता है, कोई तत्व होता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, इज कॉल्ड कम्बस्चन. तो जो भी केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जो एक फाइनल प्रोडक्ट देता है और हीट देता है, तो हीट दे तो उसको बोलते हैं कम्बस्चन. द सब्सटेंस दैट गोज द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बस्चन इज कॉल्ड कम्बस्टिबल. जो सब्सटेंस कम्बस्चन के प्रोसेस से आगे जाता है उसको हम बोलते हैं कम्बस्टिबल, और इसको हम कहते हैं फ्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल. तो हमने क्या समझने की कोशिश की है कि कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम प्रोसेस को कम्बस्चन बोलते हैं. और जो एलिमेंट, जो पदार्थ उस प्रक्रिया से गुजरता है उसको हम बोलते हैं कम्बस्टिबल, और इसको हम फ्यूल भी कहते हैं. जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा बॉडी का प्रोसेस है, हमारा जो शरीर है, वह रिएक्शन करके अपने, हमारा शरीर जो है फूड को, खाने को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जो रिएक्शन करके उसको तोड़ता है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है. तो जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वह खाने को, जो हम खाना खाते हैं उसको वह ऑक्सीजन से इस खाने को मिक्स करके ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस में भी हीट जनरेट होती है. तो जो हमने एक पूरी, अगर मेरे व्याख्यान को, इन माई होल स्टेटमेंट यू ट्राई टू सी, तो वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द कम्बस्चन इज द एयर. वी नीड द एयर, एंड देयरफॉर एयर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द कम्बस्चन. कम्बस्चन की पूरी प्रक्रिया के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए वायु का होना आवश्यक है. और इसी तरह अगर हम इसको देखें, जो ये कैंडल होती है, जो मोमबत्ती जलती है, कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस ए, जहां पर एयर कैन इंटर द चिमनी ब्रोइड. अगर
कैंडल वही बर्न कर सकती है जहां पर एयर की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो। बी, जहां पर एयर नहीं होगा वहां पर क्या होगा। सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। तो आप तीन तरह की परिस्थितियों को सोचें। एक, जहां पर एयर अवेलेबल हो वहां पर कम मोमबत्ती का जलना। बी, वहां पर मोमबत्ती जलाने का प्रयास करना जहां पर एयर ना हो, जहां पर वायु ना हो। तीसरा, जहां पर अगर मोमबत्ती जल रही हो और वायु को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही वायु हट जाएगा, जैसे ही वायु हट जाएगा मोमबत्ती का जलना संभव नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब हुआ कि उस कंबस्टन के प्रोसेस के लिए एयर का होना आवश्यक है। तो मोमबत्ती को जलाने के लिए वायु का होना आवश्यक है। जहां पर वायु नहीं होगी, एयर नहीं होगी, वहां पर मोमबत्ती नहीं जलेगी। जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है, हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। सूर्य, द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट बोथ। What is the process to produce heat and light? It is a nuclear reaction. The heat and light is being produced by the sun by the process of the nuclear reaction. The earth question may be framed for you in the prelims examination. कि जो सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है या सूर्य प्रकाश प्रदान करता है या सूर्य प्रकाश और ताप रूप दोनों प्रदान करता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दे वी यूज कि सन इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, सन इज प्रोड्यूसिंग हीट, सन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, सन प्रोड्यूसिंग ओनली लाइट, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ इट कम्स। तो आंसर क्या होगा, द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट और एनर्जी बाय वे ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने देखा होगा कि एक आदमी को जब आग लग जाती है, किसी आदमी को आग लगती है तो क्या लोग करते हैं, लोग सीधे उस आदमी के शरीर पर कंबल लपेटने लगते हैं, उस कंबल से उसको कवर करते हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि हम क्यों किसी आदमी को आग लग जाने के बाद उस आदमी के शरीर को कंबल से, ब्लैंकेट से ढक देते हैं। व्हाई वी कवर द पर्सन with a blanket when the person is burning, उसका reason क्या होता है, उसका भी reason same होता है कि हवा को और आग को मिलने दिया जाए। आग हवा की उपस्थिति में ही जलती है, अगर उसको हवा नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। सिंपल सा इशू है। why we cover the person from blanket when he is caught up by the fire। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम किसी किरोसिन ऑयल को या लकड़ी को या कोयले को जलाने के लिए पहले पेपर से जला के फिर उसको जलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। और जो हमारे जंगलों में आग लगती है वह आग क्यों, कैसे लग जाती है, यह जो डिफरेंट टेम्परेचर, इसका एक हम समझने की कोशिश करें कि यह एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं, वह डिफरेंट टेम्परेचर्स में फायर से पकड़ में आते हैं। जब लोएस्ट टेम्परेचर मतलब फायर कहीं पर पकड़ जाए तो उसके लिए अलग अलग एक तापमान की आवश्यकता होती है। द फायर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज द फायर, Now you listen carefully, is called its ignition temperature। सबसे कम temperature पे, सबसे कम तापमान पे जो कोई वस्तु वस्तु में आग पकड़ देती है उसको हम बोलते हैं ignition temperature। What does it mean? कि हर वस्तु का एक ignition temperature होता है जिस पे वह आग पकड़ती है, उससे कम पर वह आग नहीं पकड़ेगी। इट्स कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम माचिस को लें, माचिस को आप लेके घिसते हो, आप माचिस को स्क्रैच करते हो, माचिस आप घर में देखते हैं कि माचिस को निकालते हैं, तीर निकालते हैं, माचिस के कॉर्नर पे हम घिसते हैं, अगर हम क्या बर्निंग न, अगर हम उसको न घिसे तो क्या माचिस जलेगी। तो आखिर हम क्यों उसको लेकर उसके किनारों को घसते हैं। जो माचिस का इतिहास है वो 5000 साल पुराना है।
ये पहले जो कहते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड्स हुआ करते थे, इसको हम सल्फर में डुबोते थे। जो हम बहुत साल पहले 5000 ईयर से वो वी यूज टू टेक द स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन द सल्फर वेयर यूज एज अ मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट में हम सल्फर में हम स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड को सल्फर में डिप कर देते, सल्फर में डुबो देते थे और उसको हम माचिस की तरह इस्तेमाल करते थे। जो मॉडर्न सेफ्टी है, जो जिस तरह माचिस इस्तेमाल कर रहे हैं, यह 200 साल पहले इसका आविष्कार किया गया। तो जो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी ANTIMONY, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड TRISULPHIID, जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है, पोटेशियम क्लोरेट है एंड वाइट फॉस्फोरस है। इसको सम ग्लू किसी गोम के सहारे लेकर और इसको चपका देते हैं। तो इसको हम जब किसी गोम सहारे चपका लेते हैं तो यह एक सुटेबल वुड को बताता है। तो जो हमारा माचिस होता है, जो हमारा माचिस जो हम इस्तेमाल करने लग गए हैं, वह है ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। जो अपना आज का जो आप माचिस का देखते हैं तीली, उस तीली पर जो चिपका होता है वह क्या होता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जो आपकी माचिस की तीली है, उसका जो पूरी तीली होती है वह किस तरह से होती है। तो ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। और जब हम इसको स्ट्रक करते हैं, जब हम इस माचिस के हेड को, जिसका मैंने इक्वेशन बताया आपको, जब उसको हम किसी हेड के अगेंस्ट स्ट्रक करते हैं, तो उसके स्ट्रक करने से क्या फायदा होता है? जो वाइट फास्फोरस है वह इग्नाइट होता है, गॉट इग्नाइट, वह जलने लगता है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ दैट सरफेस। उस सरफेस के फ्रिक्शन के कारण वह वाइट फास्फोरस जलने लगता है। This started the combustion of the match. यह उसके उस कहते हैं उस जो आपकी तीली है उसके combustion के process को शुरू कर देता है। हालांकि जो white phosphorus है यह बहुत dangerous हुआ both for the worker, जो worker involved थे, जो manufacturer in the जो manufacturer थे इस matches को बनाने में। तो आजकल क्या कर रहे हैं, हमने जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है वह है द ओनली एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। और जो रबिंग सरफेस है इसको पाउडर कर देते हैं ग्लास से और लिटिल रेड फास्फोरस से, विच इज मच लेस डेंजरस। यह जो व्हेन जब इसको हम जब हम उस रफ सरफेस के खिलाफ घिसते हैं जो करते हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा जो रेड फास्फोरस होता गेट कन्वर्टेड इंटू वाइट फॉस्फोरस। जो थोड़ा सा जो लाल फॉस्फोरस होता है वह वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड इन द मैचिस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबस्टन। होप यू गॉट इट। हमने तीन प्रक्रियाओं को समझाने की कोशिश की है, एक 5000 एगो, एक 200 साल पहले, एक आज की, तीन प्रक्रियाएं हैं। तो मेरे ख्याल से सवाल आपका आज के समय का बनने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट में कहा हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर कि शुरुआत क्या हुई थी? जो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड था उसको सल्फर में डिप किया गया, जिसको एंशियंट इजिप्ट ने माचिस के रूप में इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड था, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फास्फोरस को स्टार्च के साथ मिलाकर गोंद में जोड़ दिया गया,
और जब वह किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट स्ट्रक करता था तो वह आग को पकड़ लेता था, यह कम्बसन हो जाता। लेकिन क्या है कि जो वाइट फॉस्फोरस था यह खतरनाक साबित हुआ वर्कर्स के लिए भी और यूज करने वाले के लिए भी। सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए जो उसका हेड था, माचिस की तीली का जो हेड था, उसमें जो ओनली था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड क्लोराइड। तो जो आज के दिन का सवाल बन रहा है कि माचिस के हेड पे, जो माचिस की तीली की जो हेड होता है उस पर क्या होता है, उसमें होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। ये होता है उस माचिस की तीली के हेड पे। जो रबिंग सरफेस है जिस पर उसको हम, दो तरह का सवाल बनेगा, एक क्या है माचिस की तीली के हेड पे क्या होता है, तो यू गॉट द आंसर, माचिस की तीली के हेड पे होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। नाउ कम अंदर एस्पेक्ट कि जिस सरफेस पे उस तीली को हम घिसते हैं वहाँ क्या होता है, तो जो रबिंग सरफेस है उसमें होता है पाउडर ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। तो जो सरफेस है जिस पर माचिस को हम घिसते हैं है उसको हम, उसमें होता है रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर ग्लास। और जब मैच स्टक, जब वह माचिस की तीली लड़ती है उस सरफेस के अगेंस्ट में, तो जो रेड फॉस्फोरस है वह वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके कन्वर्जन से इमीडिएटली रिएक्शन होता है और हीट जनरेट होती है। और यह जो कहते हैं माचिस की तीली है, जो पोटेशियम क्लोराइड है, वह रिएक्ट करके जो यह फास्फोरस है, जो रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, वह रिएक्शन करके हीट जनरेट करता है और वहाँ पर आग लग जाती है। तो अगले सवाल क्या है, जो इनफ हीट प्रोड्यूस होती है टू इग्नाइट, जलता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड टू स्टार्ट कंबस्टन। देखिए समझिए, इसमें बहुत ही फाइन लाइन है, पता नहीं यूपीएससी क्या पूछे, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन जस्ट समझने की कोशिश करिए। एक तो समझने की कोशिश करिए कि माचिस की तीली के हेड पे क्या होता है, दूसरा समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा एक सरफेस है जिस सरफेस पे हम उसको घिसते हैं, तीसरा कंबस्टन किसका होता है, व्हाट इज कंबस्टिबल आइटम। तो जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है दैट इज ए कंबस्टिबल आइटम। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है और वह हमको आग देता है। होप इट इज क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, लेट मी टेक बिट मोर डिटेल टू एक्सप्लेन यू कि जो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मान लो इस मामले में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है माचिस के तीली के मामले में, तो जो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है उस पर आग तब तक नहीं पकड़ेगी, कैन नॉट कैच फायर और बर्न, जब तक उसका जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर है। You got it? कोई भी combustible substance उसमें आग तब तक नहीं पकड़ेगी, the combustible substance can not catch fire or burn as long as, now listen carefully, its temperature is lower than the its ignition temperature। अगर उसके ignition temperature से lower temperature है तो वह कभी आग नहीं पकड़ेगी। आपने देखा होगा कई बार कि जो कुकिंग ऑयल है उसमें आग पकड़ लेती है। घर में आप देखते होंगे कि आपकी माँ या आपकी भाभी या आपकी बहन या आपकी चाची, एनी योर फीमेल रिलेटिव इज मेकिंग द फूड एट होम, या आपके घर में जो कुक है जो खाना बना रहा है, तो आप देखते होंगे कि जो फ्राइंग पैन है उसमें जो तेल है उस तेल में आग पकड़ लेती है। यह आग कब पकड़ती है, जब आपका जो फ्राइंग पैन है, जो आपकी कढ़ाई है, उसको स्टोव पर एक लंबे समय तक रखा जाए,
उसके स्टोव को, जब स्टोव, अगर स्टोव पे अगर आप जो चीज़ पका रहे हैं अगर उसको बहुत लंबे समय तक रख दें तो वह उसमें आग पकड़ लेती है। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, जो कि आपका किरोसिन ऑयल है और वुड है, जो लकड़ी है, वह जब तक रखी होती है रूम टेम्परेचर पर वह आग नहीं पकड़ती है। लेकिन अगर उसी को गर्म किया जाए, उसी क्रोसिन को और उसी वुड को अगर गर्म किया जाए, आग उसमें आग पकड़ लेती है। इसका मतलब क्या हो गया? जो इग्निशन टेम्परेचर है हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगर हम किरोसिन ऑयल को और लकड़ी को साथ साथ गर्म करने की कोशिश करें तो किरोसिन ऑयल पहले जलेगा और लकड़ी बाद में जलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ किरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। अगर किसी चीज को हम, अगर हम इसको और सिंपल करते हैं विदाउट यूजिंग मच साइंस, अगर हम किसी चीज को गर्म करें, मानी किरोसिन ऑयल को और लकड़ी को हमने गर्म करना शुरू किया, तो किरोसिन ऑयल में आग पहले पकड़ लेगा, वुड में आग पकड़ने में देर लगाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द किरोसिन ऑयल इज लोअर देन द वुड। नाउ हाउ द क्वेश्चन विल फ्रेम टू योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, दे विल गिव द नेम ऑफ फोर आइटम्स एंड दे विल आस्क हुज इग्निशन टेम्परेचर इज लो और हुज इग्निशन टेम्परेचर हाई। सपोज किरोसिन ऑयल, वुड और लोहा तीनों लिख दिया गया, हु हैज द हायर इग्निशन टेम्परेचर, हु हैज द लोअर इग्निशन टेम्परेचर। तो जिसको कम, अगर कम तापमान पे अगर आप उसको जला देंगे, अगर कोई चीज कम तापमान में जलने की कैपेबल है तो दैट सब्सटेंस हैज द लेस इग्निशन टेम्परेचर। एंड इफ एनी आइटम इज एबल टू बियर द हीट एंड टेक्स टाइम टू बर्न देन दैट आइटम हैज द हायर इग्निशन टेम्परेचर। दे विल नॉट आस्क यू कि डिफाइन मी इग्निशन टेम्परेचर। आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ओनली कि आपको याद करने से ज़्यादा अच्छा आप समझ जाओ। माई पर्पज टू गिव यू द ग्रेट डिटेल ऑफ द थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग एंड नॉट फोर्स टू द रिमेंबर इट। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं पूछेंगे, पूछेंगे यही कि इग्निशन टेम्परेचर का एप्लीकेशन कैसे होता है, यही इसी पर सवाल आपके आएगा। अब हम देखते हैं कि जब घरों में आग लगती है, आपने फायर ब्रिगेड देखा होगा, फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, जब घरों में आग लगती है तो वह पानी उस पर फेंकने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वह चेंज हो जाता है। अगर आप एग्जाम्पल लें कि किसी पेपर कप को जलाया जाए तो उस पेपर कप को जलाने में पानी फेंका जाए, उस पर क्या क्या फर्क आता है? तो जो एक कॉन्सेप्ट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर वहां तक नहीं रीच करता है इसलिए वो बर्न नहीं होता है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो पानी इग्निशन टेम्परेचर पे काम करना शुरू करेगा और जलने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो किसी जो घरों में आग लगती है पानी फेंकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विच ए फ्लेम एंड कैन इजिली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वॉट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इशू, वॉट इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? तो जब सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और वह फायर को कैच कर लेता है और फ्लेम निकलती है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में हमारा पेट्रोल है, एल्कोहल है, एलपीजी गैसेस हैं, दे आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वाई? दे हैव द टू करेक्टरिस्टिक्स, वन इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और यह जलने के साथ फ्लेम निकालती हैं। जो फायर ब्रिगेड अराइव करता है, हम इसी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट से फायर ब्रिगेड को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यह फायर जो पानी फेंकता है उस बिल्डिंग पे, उस जगह पे जहाँ पे फायर लगती है, और इससे क्या होता है, वाटर जो वाटर है कूल करता है, जो कम्बस्टेबल मटेरियल है उसको वाटर कूल कर देता है, और इसका और उससे क्या होता है, टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यही रहना प्यार करिए, बाई थ्रोइंग द वाटर हम उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसको नीचे ले आ लेते हैं। जब हम इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आ लेते हैं तो वो चीज़ जलना बंद कर देती है। तो क्या है वाटर, वॉट इज द एग्जैक्ट लाइन टू अंडरस्टैंड, वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटीरियल, जो बिल्डिंग जल रही है वह कम्बस्टेबल मटीरियल है, वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटीरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन मटीरियल। जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड्स द कम्बस्टिबल मटीरियल्स, जो कम्बस्टिबल मटीरियल्स के आसपास वाटर वेपर्स सराउंड कर जाते हैं, और यह क्या हेल्प करते हैं, द कटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर। जब हम पानी फेंकते हैं तो उस चीज के आसपास वाटर वेपर फैल जाता है, तो जो वाटर वेपर फैलता है वह सराउंडिंग से उसको कट ऑफ कर देता है और एयर वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इससे क्या होता है फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो व्हाट टू आस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट जब पानी जाता है तो वह पानी जाता है तो वह पानी उसके इग्निशन टेम्परेचर को लो करता है और आसपास वाटर मटेरियल को, आसपास वाटर वेपर को फैला देता है, और वह वाटर वेपर जो है उस कम्बस्टिबल सब्सटेंस से वातावरण का संबंध इस तरह तोड़ देती है कि एयर वहां प्रभावित नहीं होती है। अगर एयर नहीं आएगी तो आग नहीं लगेगी। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी हाउ वी यूज द वाटर और व्हाई वी यूज द वाटर टू एक्सटिंग्विश द कम्बस्टिबल आइटम। जो फायर प्रोड्यूस होता है उसकी दो तीन आवश्यकताएं हैं, दो तीन करेक्टर हैं, दो तीन आवश्यकताएं हैं जिसके कारण फायर प्रोड्यूस होता है, फ्यूल हो, एयर हो और हीट हो। तीन चीज चाहिए आग लगने के लिए, तीन चीज चाहिए, फ्यूल हो, ईंधन हो, एयर हो, वायु हो, और हीट हो। हीट के चाहिए, हीट का इस्तेमाल होता है उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले आना। अगर हीट नहीं होगी तो वह वस्तु अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं आएगा। तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द टू कैच द फायर दैट जो सब्सटेंस हो उसको फ्यूल मिले, ईंधन मिले, उसको हवा मिले और उसको हीट मिले। और फायर, अब फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। जो यह तीन चीज की आवश्यकता है आग के लगाने के लिए, अगर इन तीन में से एक या एक से अधिक चीज को हटा देंगे तो फायर खत्म हो जाएगी। तो जो जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो 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 भी हम चीज बनाते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, उसका जॉब क्या होता है, टू कट द सप्लाई ऑफ द एयर। वाटर वेपर क्या कर रही है, टू कट द सप्लाई ऑफ द एयर, या टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ या दोनों का काम करें। अब अगर आप इसको नोटिस करें तो आप देखते हैं कि इन तीनों चीजों के बगैर यह काम नहीं हो पाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करते हैं वह क्या है। जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास वह है वाटर, लेकिन वाटर वर्क करता है ओनली द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर, लेकिन लकड़ी और पेपर दो पर ही हमारा पानी काम करता है। अगर यह आग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लग जाए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे लग जाए, तब वाटर काम नहीं करता है। क्यों, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज हु इज ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश इट। गॉट इट,
कि जब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर आग लगती है तो वाटर काम नहीं कर पाता है. व्हाई द वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और उस आदमी को नुकसान हो सकता है जो आदमी आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है. अच्छा, वाटर उसके लिए भी सुटेबल नहीं है जब जो है फायर इन्वॉल्व कर रही हो ऑयल को और पेट्रोल को. अगर आप ध्यान दीजिए कि वाटर इज हैवियर देन ऑयल, मैंने बताया था कि वाटर ऑयल से हैवियर है. सो क्या करेगी, सो इट श्रिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. समझा नहीं आ रहा है कि ऑयल के जलने पर वाटर काम नहीं करता है. व्हाई, कि वाटर इज हैवियर देन ऑयल. इसको याद करिए, वाटर इज हैवियर देन ऑयल. वाटर ऑयल की तुलना में हैवी है. तो क्या करेगी, ऑयल जो है वाटर के ऊपर आ जाएगी और वह ऊपर जलने लगेगी. इसीलिए आप ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, दो चीज़ आपको और सॉल्व कर रहा है कि जब कोई हम पानी, जब तेल या ऑयल हम पानी में फेंकते हैं तो पानी की सतह पर तैरने क्यों लगता है. वह क्यों तो कह लगता है, वाटर इज हैवियर देन ऑयल. तो जो हल्की चीज़ है ऊपर तैरने लगती है. दूसरा, अगर हम वाटर को फेंक कर आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो चूंकि वाटर इज हैवियर देन ऑयल, तो ऑयल हल्का है वाटर से, तो ऑयल वाटर के सतह पे आ जाएगा और सतह पर जल लेगा. इसलिए सोचने हमने आग पानी पर, आपने बहुत शायरी सुनी होगी ना, उसने आग पानी पर लगा दिया. तो आग पानी पर कैसे लगता है, आग पानी पर ऐसे लगता है कि वह वाटर जो हैवियर होता है नीचे चला जाता है. तो जो एक आवश्यकता है कि कंबस्टन को खत्म करने के लिए कि उसको, उसका एयर से आप कनेक्शन तोड़ दीजिए या उसका जो इग्निशन पॉइंट है वो नीचे कर दीजिए, दोनों वह प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं. जो फायर इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और इन फ्यूल मटेरियल्स में, जैसे पेट्रोल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. नाउ वी आर अप्रोचिंग ए बिट मोर टेक्निकल एस्पेक्ट कि कौन सी गैस है जो बेस्ट, कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अच्छे से बुझा देती है. दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज हैवियर देन ऑक्सीजन. लेकिन अंडरस्टैंड द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, वह कवर कर लेती है पूरे फायर को एज ए ब्लैंकेट. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, वह कवर कर लेती है पूरे फायर को एज ब्लैंकेट. अब उससे कवर से क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट होता है और ऑक्सीजन का, उससे कट ऑफ हो जाता है. अगेन सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन. और यह क्या करती है, यह फायर, जो फायर ब्लैंकेट, फायर को कवर कर लेती है एक ब्लैंकेट तरह, एक कंबल की तरह. उससे क्या होता है, जो कांटेक्ट है, जो कांटेक्ट है एयर का, कांटेक्ट बिटवीन फ्यूल, जो फ्यूल और ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है. जो मैंने पिछले आपको बताया कि आपको एक चीज़ हटानी पड़ेगी, या तो इग्निशन पॉइंट उसका जो है आप कहते हैं कंट्रोल कर लीजिए, या उसको आप एटमॉस्फेयर से अलग कर दीजिए, ऑक्सीजन अलग कर दीजिए, तो फायर बुझ जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जो कि पूरा कवर कर लेती है और ऑक्सीजन से कांटेक्ट हट जाता है, इससे फायर कंट्रोल हो जाती है. दूसरा एडिड एडवांटेज CO2 को क्या है कि यह इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्म नहीं करती है. इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. तो दूसरा एडवांटेज CO2 का क्या है कि यह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है. अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करें. तो अब जो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम हाई प्रेशर में एज ए लिक्विड, हाई प्रेशर में एज ए लिक्विड सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लेते हैं. और यह जो LP, जिस तरह से LPG स्टोर होता है सिलेंडर में, इन व्हाट फॉर्म इज द SPG स्टोर इन सिलेंडर. व्हेन, जब हम इसको स्टोर करते हैं, जब इसको हम हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं, और जब इसको हम सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो CO2 एक्सपेंड करती है इनऑर्मसली, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लेन करती है और वह कूल डाउन करती है.
इससे क्या होगा, सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड फायर, फायर के आसपास ब्लैंकेट ही नहीं बनाती है, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जो ईंधन है जो जल रहा है उसके टेम्परेचर को भी डाउन कर देती है. दिस वे वाई इट इज एन एक्सीलेंट एक्सटिंग्विशर. व्हाट इज द क्वेश्चन, टफ में सब फ्रेम करता हूँ, टफ टफ आसान सवाल क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं. आप चाहे लिख लें, एंडर वे टू गेट CO2 रिलीज इज टू रिलीज ए लॉट ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर. दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2. एक तो हो गया कि जो CO2 एक कहते हैं सिलेंडर में भर के, एक कंप्रेस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में भर कर रिलीज करते हैं. दूसरा क्या है कि जहाँ पर आग लगी है उसके पास हम रिलीज कर देते हैं पाउडर को, केमिकल बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट. और यह जो वस्तु है वह CO2 उत्पन्न करती है. तो जस्ट राइट डाउन 3-4 थिंग्स. पहला, हम जो हमारे जो पहले इस एग्जाम में आने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन कि जो फायर ब्रिगेड लोग हैं वह पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं. द फायर ब्रिगेड पीपल वाई यूज द वाटर टू एक्सटिंग्विश इट. क्वेश्चन नंबर टू, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाई वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई CO2 इज ए बेस्ट एक्सटिंग्विशर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म CO2 इज प्रिजर्व इन द सिलेंडर. नेक्स्ट फॉर्म, वॉट CO2 डज when it is thrown to extinguish a fire. Next question, apart from the CO2 what chemicals are being used, extinguish the fire. तो लास्ट वाला क्या है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट. मेरे ख्याल बेकिंग सोडा लिखेंगे आप एग्जाम में, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट. अब जो कंबस्टन का टाइप्स है, कितने टाइप के कंबस्टन्स होते हैं, जो हमने समझने की कोशिश की है अपनी बातचीत में अभी, कि जो हमने एक गैस को हम बर्न करते हैं रैपिडली, उसको बर्न कैसे करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट. हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है जब हम कंबस्टन के प्रोसेस को करते हैं. जो सम कंबस्टन, सच कंबस्टन आर नोन एज ए रैपिड कंबस्टन. जब गैस को रैपिडली बर्न करते हैं, प्रोड्यूस होता है हीट और लाइट, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन. अब जो सब्सटेंस लाइक फास्फोरस है, जैसे फास्फोरस है, हमने बताया था फास्फोरस माचिस को पढ़ाते समय, जो फास्फोरस है जो बर्न करता है, जो इन एयर एट रूम टेम्परेचर बर्न कर देता है. अगला सवाल क्या है कि फास्फोरस किस टेम्परेचर पे बर्न करता है. तो फास्फोरस एयर में रूम टेम्परेचर पे ही बर्न कर देता है. जो इस टाइप का कंबस्टन है जिसमें आइटम सडनली बर्न कर जाता है इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. कोई चीज ऐसी है जो सडन बर्न कर जाए बगैर किसी एप्लीकेशन के, इस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. तो जो इस फॉरेस्ट में जो फायर होता है वह स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होता है. यह होता क्यों है, एक तो कई बार जो सन की हीट है, जो सन की हीट होती है उससे होता है, दूसरा जो लाइटिंग स्ट्राइक होती है
जो एक बिजली कड़कती है उससे जो आग निकलती है उससे जाता है। और तीसरा, कई बार ह्यूमंस के केयरलेसनेस के कारण कि हम लोग आग छोड़ देते हैं उससे आग लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप जंगलों में जाकर कैंप फायर करिए तो यू मेक श्योर दैट कि आपके द्वारा किया गया कैंप फायर पूरी तरह से खत्म हो गया हो। तो देयर इज थ्री रीजंस हाउ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट कम इनटू द ग्रैप ऑफ द फायर। वन इज द सन हीट, सेकंड इज द लाइटनिंग, एंड थर्ड द ह्यूमन इग्नोरेंस। थ्री आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फायर। अब थोड़ा हम इस कम्बस्टन से फ्लेम की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फ्लेम, कि फ्लेम होता क्या है। जो अगर आप किसी मोमबत्ती को जलाएं तो आप देखते हैं उस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करें तो आप हमेशा हमेशा पाएंगे कि मोमबत्ती हर जगह एक सा हीट नहीं देती है। यू जस्ट टेस्टेड आफ्टर माई क्लास, अगर पहले कोई टेस्ट नहीं किया है तो मोमबत्ती को जलाइए और जला के देखिए मोमबत्ती में कहाँ पे पकड़ने पर आप जलते हैं। तो जो सब्सटेंस है जो 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 जो, जो, जो है, मॉर्टन वैक्स है, ये क्या होता है कि यह सारी चीजें जलती हैं और एक फ्लेम को जन्म देती हैं। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। तो जो सब्सटेंस बर्निंग के समय वेपोराइज होती है वह फ्लेम देती है। तो फर्स्ट इशू वी अंडरस्टैंड कि फ्लेम कौन देता है। हर आदमी हर चीज फ्लेम नहीं देती है। जो सब्सटेंस बर्निंग के समय वेपोराइज होती है, अगर आप इसका एग्जांपल दें, जो इकोरोसिन ऑयल है, मॉर्टन वैक्स है, यह जो है राइज थ्रू द विक एंड आर यह वेपोराइज होती हैं ड्यूरिंग बर्निंग और यह फ्लेम को प्रदान करती हैं। तो जैसे चारकोल, इसके विपरीत आप चारकोल को देखिए, चारकोल जो है वह वेपोराइज नहीं होता है इसलिए वह फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चारकोल फ्लेम नहीं दे रहा है लेकिन मोल्टन वैक्स या किरोसिन ऑयल फ्लेम दे रहा है, ऐसा क्यों है। इसका आंसर क्या होगा कि जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग वही फ्लेम देते हैं। अगर वेपोराइज नहीं होंगे तो फ्लेम नहीं देंगे। यही शब्द वेपोराइज याद रखिए, यह आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए यूपीएससी किसी भी सवाल को बनाते समय जवाब बहुत स्पष्ट लिखती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि आपसे सवाल गलत कराया जाए। उसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि आपकी जानकारी को बहुत तह तक जाकर चेक किया जाए। अगर जानकारी तह तक नहीं है तो आप गलत अपने आप कर दो, उसमें यूपीएससी का कोई दोष नहीं है। जो फ्लेम का जो नॉन ड्यूमिनस जोन होता है, अब आते हैं उस फ्लेम में कैसे हीट होती है। जो फ्लेम का नॉन ड्यूमिनस जोन होता है उसका आप जो टेम्परेचर सबसे हाई होता है। अगर आप मोमबत्ती को लेकर जलाएं तो मोमबत्ती का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, बाहरी का पार्ट। अगर मोमबत्ती को आप जलाएं, ये आपकी मोमबत्ती बन गई, यह आपकी मोमबत्ती बन गई, यह अब आपकी मोमबत्ती की आपकी की मतलब फ्लेम है। तो इस मोमबत्ती का जो ये पार्ट जिसमें एरो लगा हुआ है, यह आपका हॉटेस्ट पार्ट है। जो आउटर जो हॉटेस्ट पार्ट है वो आउटर जोन है। तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ये फ्यूल है आपका सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है। और जो आपका बीच का पार्ट है, जो ये आपके बीच का पार्ट है, ये जो आपका बीच पार्ट है यह मॉडरेटली हॉट, जो मॉडरेटली हॉट 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 पार्ट है। और जो जहाँ पर ये मोमबत्ती की रही होती है, क्या होते हैं, जहाँ पर मोमबत्ती की वह तीली होती है जिससे हम आग लगा के जलाते हैं, ये तो ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है। अब इसी ओर ध्यान में देखें तो आप ये पाएंगे कि मोमबत्ती के लॉ में फर्क होता है। यह जो सबसे ज़्यादा जलने वाला पार्ट है, ये दिस पार्ट, जो सबसे ज्यादा जलने वाला पार्ट, जहां पे सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, वह ब्लू होता है। और जो मिड जोन होता है, जो एक माइल्ड जहां पे जलता है, वह येलो होता है। जहां पर ये मोमबत्ती का ये तीली होती है, जहां पर मोमबत्ती की वह लो होती है, जो
इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स होता है ब्लैक होता है. तो तीन रंग होते हैं, ब्लैक, ब्लू और येलो. जो सबसे ज्यादा जलने वाला भाग है, जो मोमबत्ती का आउटर पार्ट है, दिस पार्ट, यह आपका ब्लू होगा, यह पार्ट आपका येलो होगा, ब्लैक होगा. तो यहां पर सबसे ज्यादा हीट है, यहां पर सबसे ज्यादा हीट है, यहां पर मॉडरेट हीट है, यहां पर सबसे कम हीट है. तो सवाल क्या बनेगा, मोमबत्ती के जलने पे सबसे ज्यादा हीट कहाँ होती है, आउटर पार्ट, मिड पार्ट, लोअर पार्ट. गॉट इट? तो तीन चीज हो गई. यहां पर सबसे ज्यादा हीट होगी जो आउटर पार्ट है, इसको हम ब्लू, यह ब्लू कलर का होगा. ये मिड पार्ट है, यह येलो कलर होगा, यहां पर मीडियम टेम्परेचर होगा. यहां पर सबसे, इसीलिए अगर ध्यान दीजिए, अगर मोमबत्ती के इस पार्ट को छूते हैं आप सजा जलते हैं, सबसे ज्यादा आप जलते हैं इस पार्ट से. इससे आप जो टेस्ट करिएगा, आफ्टर स्टडिंग आई विल कम ऑन द एक्चुअल प्रोसेस व्हाई आई एम टीचिंग यू. अब आप किसी सुनार को देखिए, सुनार क्या करता है, सुनार के पास एक फुकनी होती है, उस फुकनी से फूकता है. गांव में बहुत होता है, शहर में आप लोग नहीं देखा, गांव में अगर जो लोग रहते हैं देखा होगा. तो जो गोल्ड स्मिथ है वह ब्लो करता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विथ ए नैरो, एक जो फुकनी होती है, नैरो मेटलिक पाइप होता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. व्हाई ही डज दिस, व्हाई डू यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, वह आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करने के लिए. अगर वो फूकेगा तो आउटर मोस्ट जोन आएगा, और आउटर मोस्ट जोन है जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, वह सोने और चांदी को गलाने में हेल्प करेगा. दैट्स वाई ही इज यूजिंग द फुकनी और ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाई गोल्ड स्मिथ इज यूजिंग मेटेलिक ब्लो पाइप व्हाइल बर्निंग इट, व्हाई ही वॉन्ट टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर. अब वह चाहता है कि आउटर जोन फ्लेम प्राप्त हो जाए. जब वो फूकता है तो आउटर जोन फ्लेम प्राप्त होता है, और वह आउटर जोन फ्लेम है वह जो है जलने में मदद करता है. समझा नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आकांक्षा क्लियर हुआ? प्रियंका, कुंवर सिंह, अब एक ईंधन क्या होता है, व्हाट इज फ्यूल. ए गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, जो रेडली अवेलेबल हो जाए वह अच्छा फ्यूल होता है, अच्छा ईंधन होता है, और वह चीप और सस्ता होना चाहिए, और वह क्या है, वह आराम से बर्न हो जाए एक मॉडरेट रेट में, और यह एक लार्ज अमाउंट ऑफ कहते हैं हीट को प्रोड्यूस कर दे, और यह अपने पीछे जलने के बाद वह कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस न छोड़ दे. यह किसी फ्यूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर हम फ्यूल की एफिशिएंसी को देखें तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वह प्रोड्यूस करता है ऑन ए कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरिक वैल्यू. व्हाट इज ए कैलोरिक वैल्यू, व्हाट इज अ कैलोरिक वैल्यू. अगर कोई चीज जलने के बाद जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg, इट इज कॉल्ड कैलोरिक वैल्यू. और जो कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी, KILO किलो, JULE जूल पर केजी. अब कुछ कैलोरिक वैल्यू के डिफरेंट फ्यूल का आप डिटेल लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में काम आएगा. काउडंग, जो गांव में हम लोग कंडा पाते हैं, काउडंग के 6,000 to 8,000 kg joule, 6,000 to 8,000 kg पर जूल, किलो जूल पर केजी. वुड लकड़ी 17,000 to 22,000, कोल 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, किरोसिन 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सी एन जी
50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35,000 टू 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000। अब इस पे सवाल प्रीलिम्स का करेगा, एक बना देंगे कि किसकी किसकी फ्यूल एफिशिएंसी सेम है, उसमें लिख देंगे कोल, उसमें सॉरी पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, मीथेन, चार का नाम लिख दिया उन्होंने, किरोसिन सॉरी पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, मीथेन। सवाल क्या बनाया, किसकी किसकी फ्यूल एफिशिएंसी सेम है। अब ओनली ए बी बी सी सी डी सी डी डी सी डी ए कर देंगे, अगर आपको यह सीरीज याद नहीं है आप गलत कर दोगे। दूसरा सवाल सवाल बना दिया कि सबसे कम फ्यूल एफिशिएंसी किसकी है, काउडंग, वुड, पेट्रोल, अगेन आपको यह चार्ट हेल्प करेगा। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल कौन सा है, काउडंग, पेट्रोल, सीएनजी, हाइड्रोजन, क्या होगा आंसर, व्हाट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर इमीडिएटली, सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी किसकी है, काउडंग, वुड, डीजल, हाइड्रोजन, व्हाट इज आंसर, व्हाट आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर लिखो, राइट आंसर रिचा, राइट आंसर, किसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, काउडंग, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, जल्दी बोलो, फास्ट, डू फास्ट, नहीं आ रहा आंसर, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन, यस। देखिए सारे कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे सिर्फ मेरा लक्ष्य होता है कौन सवाल आएगा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 100% गलत होगा, क्यों यहां जाता है, देखिए अब मैं इसको उन लोगों के साथ मैच कर रहा हूं जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, इन्होंने किलो जूल पर केजी पढ़ा होगा, उनको किलो जूल पर केजी कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन उन्होंने इसको नहीं देखा होगा कि इस किलो जूल पर केजी का महत्व क्या है, इस फ्यूल एफिशिएंसी का महत्व क्या है। जो एक हमारा फ्यूल बर्न करता है वह हार्मफुल प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो जाता है, उलट वहां तक पहुंच जाता है, तो जो इंक्रीजिंग फ्यूल जो कम्बस्ट जो फ्यूल का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वह क्या रहा है, वह हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो जो एक फ्यूल का जो इस्तेमाल हम इतने ज़्यादा तौर पर कर रहे हैं वह हमारे वातावरण को एक नुकसानदायक रास्ते ओर ले जा रहा है। तो जो कार्बन फ्यूल्स हैं, वुड है, कोल है, पेट्रोलियम जो है, ये हमको जो इसका अनबर्ड पार्ट होता है वह हमारे लिए नुकसान कर रहा है। तो जो एक फाइन पार्टिकल्स जो छूट जाते हैं जलने के बाद वह बहुत डेंजरस हो रहे हैं हमारे लिए, और वह पोल्यूशन को प्रदूषण को उत्पन्न कर रहे हैं, और इससे हमको अस्थमा भी हो रहा है और हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है। तो अस्थमा के होने का क्या कारण है। दूसरा, जो इनकम्प्लीट कम्बस्टन होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि कभी कमरे में सोते हुए अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है वो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जो एक इनकम्प्लीट कम्बस्टन होता है फ्यूल का वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, और यह इतनी पॉइजनस है कि अगर क्लोज रूम में इसको जलाया जाता है, जब यह बर्न जब कोयला बर्न होता है क्लोज रूम में, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का जन्म होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है जो प्रोड्यूस होती है किसी आदमी के सोते समय उसकी मृत्यु का कारक बन सकती है। एक सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है कि किसी भी बंद कमरे में कोल को जलाने से क्यों रोका जाता है, क्यों कहा जाता है कि अंगीठी को बंद कमरे में न जलाया जाए, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जन्म दे देती है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह एडवाइस दी जाती है, नेवर स्लीप इन ए रूम विथ बर्निंग और विथ कोल फायर इन इट, तो रूम में जो बर्निंग कोल फायर है उसके साथ न सोया जाना चाहिए।
जो दूसरा क्या है, जो अगर हम इसको जलाते हैं तो इंक्रीज होती है हमारे वातावरण में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वह हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारक बन रही है। और जो मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, जो हमारा जो पोलर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वह सी लेवल को राइज कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, फ्लड आ रही है कोस्टल एरियाज में, और लो लाइंग जो एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वह सी में सबमर्ज कर रहे हैं। तो यह जो एक बर्निंग फ्यूल है इस तरह हार्म कर रहा है। बर्निंग कोल होता है, जो बर्निंग कोल और डीजल होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, और यह क्या है, यह एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। और यह जो पेट्रोल इंजन होता है वह जब वह ऑफ होता है तो गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को भी जन्म देता है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाता है रेन वाटर में और फॉर्म करता है एसीटिलीन को। एसीटिलीन मैंने ज्योग्राफी के क्लास में बहुत ही डिटेल पढ़ाई थी, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट अगेन हियर। जो जो पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल है उससे हम सीएनजी को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। सीएनजी फ्यूल पंप क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस को, बिकॉज जो सीएनजी इंजन प्रोजेक्ट है वह लेस हार्मफुल है और सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल के रूप में देखा जाता है। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री है, अगर आप लोग के पास ताकत बची हो तो हम थोड़ा सा आपकी पॉलिटी का एक टॉपिक कर देते हैं कि जो संसद है उसको काम करने की प्रक्रिया क्या है, कि संसद का प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, संसद की समितियां क्या है। इफ़ यू हैव द डिज़ायर टू इफ यू मोर देन डिज़ायर इफ यू हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, अगर कैपेसिटी नहीं है तो बंद कर देते हैं। सुबह भी क्लास बहुत बड़ी हो गई है, क्लास ये भी है, अगर कैपेसिटी है तो हम करते हैं, नहीं तो हम इसको कल पे शिफ्ट करते हैं। एज यू डीम फिट यू टेल मी, आई विल डू अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज की हमारी कोशिश ये है कि जो पढ़ाया जाए वह दिमाग में जाके अट, इस तरह से पढ़ाकर छोड़ देंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो यू थिंक फॉर इट एंड देन लेट मी नो कि क्लास आज और आगे चले या ना चले। नहीं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते ही नहीं है। आई विल जस्ट कम एंड स्पीक टू यू। आई थिंक कि पढ़ाई जितनी करानी थी काफ़ी कराई जा चुकी है और जो बची हो ही जाएगी, क्योंकि क्लास का पेस बहुत फास्ट चल रहा है और बहुत ही अटैक हो रहा है ऑन द क्वेश्चन बैंक ऑफ द यूपीएससी। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात में संदेह नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वह क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इसमें संदेह मुझे बहुत कम है। अगर आप पिछले एक्सपीरियंस देखिए, आप लोगों ने दो एग्ज़ाम मेरे बाद देखे, आप एक ने देखा सिविल सर्विसेज मेंस जिसमें आप लोग अपीयर नहीं किए थे, जो हमारी जुलाई अगस्त की क्लास चली से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे मेंस में। पीसीएस का जो पेपर था मोर ऑर लेस पढ़ाया हुआ ही था, अब आप लोगों से स्ट्राइक नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होगा आप लोग स्ट्राइक करोगे। सेम जो मेंस होगा जो 31 मई को एग्जाम होगा फिर वही आएगा, लेकिन उसको सही करने की जो प्रक्रिया है वह आप लोगों से नहीं हो पा रही है। इसीलिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है कि आपका एग्जामिनेशन जो है हम यूपीएससी पैटर्न पे लें और आप लोग उस प्रेशर को हैंडल करो। कई बार 15 टेस्ट आपका लेते हैं, एज यू विल गिव द एग्जाम ऑन 31st में, वैसे एग्जाम हम 10-12 बार लेने की कोशिश करते हैं ताकि आप 10-12 बार उस प्रोसेस से गुजरो। तो पहले प्रोसेस में आप मिस्टेक ज़्यादा होगी, धीरे धीरे मिस्टेक होना कम हो जाएगी और शायद तब आप बेहतर ढंग से आंसर कर सको। मे बी इट्स माई वन ऑफ द एनालिसिस एंड गेस, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइनलाइज इट। दूसरा, अगर बात करने से क्या, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। ये परीक्षा बीच में तोड़ने लगती है और ज़्यादातर लोग नेगेटिव बात करते हैं, नहीं आपका नहीं हो सकता। इफ यू मीट द पीपल इन द सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पर्सन टॉक नेगेटिवली, नहीं 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 हो सकता, बहुत कठिन, कैसे होगा, हर आदमी यही कहता है बाय लार्ज। तो आपको उस निगेटिविटी से उभरने की जरूरत है। देखिए, दिस एग्जाम इज टोटली डुएबल एग्जाम, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द डे वन, इट इज ए परफेक्टली डुएबल एग्जाम। एक एग्जाम एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, एक दीवार है उसको आप धकेलोगे वह नहीं हटेगी, लेकिन उस दीवार के नीचे एक व्हील चक्का लगा हुआ, डायरेक्शन में ढकेलोगे दीवार हट जाएगी।
तो मेरा रोल क्या है, आपको वहां से हटा देने का कि दीवार को ढकेले मत। देखो नीचे चक्का लगा हुआ, चक्का को देखकर दीवार को ढकेलो, दीवार हट जाएगी। तो जो मोटिवेशन है वह इस प्रक्रिया को हेल्प करता है कि आप किस तरह से उस दीवार को धक्का दो। तो सम टाइम समडे कभी आपको लगे कि सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, हम आज पढ़ना नहीं चाहते, आई वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक ऑन द इशूज, जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस, जस्ट वॉन्ट टू सम ऑफ द एड्रेस ऑफ योर साइड, आई कैन डू दैट ऑल्सो। मेरे ख्याल से आज आप लोग पढ़ने के मूड में और फर्दर नहीं हो। प्रॉबली कल, टुमारो इज माई लॉन्ग रन इन द मॉर्निंग, आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रन। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे अब कुछ लगेंगे कल सुबह की रन की पूरी पूरी करने में। तो 9 बजे तो मुझे होता नहीं दिख रहा है, आफ्टर 10 आई विल कम एंड एड्रेस यू, मोस्ट लाइकली यू थिंक एट 11 o'clock आई विल सी यू टुमारो इन मॉर्निंग। इवनिंग क्लास के बारे में विल डिसाइड टुमारो आफ्टर द क्लास कि हाउ यू आर एबल टू हैंडल इट, बिकॉज की दो क्लास कल भी हो गई, आज भी हो गई, अब कल दो क्लास आपसे हैंडल होती नहीं होती, आई विल सी टुमारो, बट मोस्ट लाइकली आई विल सी यू टुमारो इन मॉर्निंग एट 11 o'clock। टेक केयर, गुड नाइट।